उपचुनाव के नतीजे आने के बाद खबर आई कि शिवसेना के मंत्री महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखेंगे। लोकसभा उपचुनावों में पालघर सीट पर बीजेपी और शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर थी। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली और शिवसेना को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गावित ने जीत दर्ज की। शिवसेना ने श्रीनिवास वांगा को टिकट दिया था। बीजेपी सांसद चिंतामन वांगा के निधन की वजह से यहां चुनाव हुआ था। शिवसेना ने इस सीट में वांगा के बेटे श्रीनिवास को टिकट दिया था, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेंद्र गावित को खड़ा किया था। इस हार से शिवसेना बौखला गई है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि शिवसेना के मंत्री महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि पार्टी बाहर से बीजेपी को सपोर्ट करती रहेगी, लेकिन इस पर ठाकरे ने कोई ऐलान नहीं किया। यह खबर आने के थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 60% लोगों ने नकार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को किसी दोस्त की जरूरत नहीं है।